नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे एनएलसी गेट एग्जाम के लिए, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग जो है साथ में एडिशनल और भी फैक्ट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे सेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग सारे जितने भी हमने अभी तक लेक्चर्स किए हुए हैं इसके क्वेश्चन के, तो आप लोग देख सकते हैं। और साथ में देखिए, हमने आपके लिए करेंट अफेयर्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, और साथ में एक जनरल अवेयरनेस का हमने कंप्लीट पीडीएफ बनाया हुआ, जिसमें कि आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके पोर्शन का, इंडियन हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का, जो कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं जो आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो वो सारा कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और साथ में इंग्लिश का भी प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि आपका इस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और हमने इसी एग्जाम को पैटर्न को देखते हुए बनाया हुआ है। तो आप लोग उसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज के सेट नंबर 6 का आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। 5 सेट अब तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो क्वेश्चन देखिए है कि महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स एट द बोध गया सिचुएटेड इन, तो यहाँ पे देखिए जो महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स है जो कि बोध गया में, तो ये कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका ये बिहार में सिचुएटेड है। तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे दे दिया गया बोध गया है, तो आप लोग इसी से बता सकते हैं। हालांकि आपको टेम्पल का जो नाम है आपको उसको याद रखना है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो अपने कंट्री के अंदर में और वो किस लिए फेमस है, तो ये सारी चीज़ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। खासकर आपका जैसे कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने जो है सारा इंपॉर्टेंट जितने भी टेम्पल्स हैं इंडिया के अंदर में, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिया हुआ। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपका दिया हुआ लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल आपका है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद देखिए अगला है महाबोधि टेम्पल आपका है, तो जो कि ये बिहार में आपका है, जो कि एक बुद्धिस्ट स्टूपा आपका है, जिसका डिस्कवरी 260 BC में किया गया था। फिर अगला देखिए सोमनाथ टेम्पल है, तो ये गुजरात स्टेट में आपका है, और ये जो है 12 जो ज्योतिर्लिंग है तो उनमें से ये एक है। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है वैष्णो देवी टेम्पल, तो ये जो जम्मू कश्मीर में आपका है, सभी लोग जानते हैं इसको, तो ये जो है देखिए केव टेम्पल आपका है बेसिकली। फिर अगला देखिए अमरनाथ टेम्पल, तो ये भी जम्मू कश्मीर जो कि आपका यूनियन टेरिटरी है, ये उसमें अंदर में आपका है। फिर वहीं पर देखिए हम बात करते हैं विरूपाक्ष टेम्पल जो आपका, तो ये कर्नाटक में आपका है। फिर अगला देखिए गोमटेश्वरा टेम्पल जो है, तो ये भी कर्नाटक में है। फिर अगला देखिए खजुराहो टेम्पल जो है, तो ये मध्य प्रदेश में आपका है ये। फिर अगला देखिए जो आपका सांची स्तूप है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट देखिए जो सिद्धि विनायक टेम्पल है, तो ये आपका महाराष्ट्र में अंदर में है। फिर नेक्स्ट देखिए कोणार्क सन टेम्पल, ये उड़ीसा में है। जगन्नाथ टेम्पल की बात करें, तो ये आपका उड़ीसा में है। और गोल्डन टेम्पल जो है, तो ये पंजाब में आपका है। तो ये सारे कुछ फेमस टेम्पल है, और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये चीज़ हमने देखिए पीडीएफ में भी इंक्लूड किया हुआ है, जितने भी चीज़ यहाँ पे टेम्पल और ये फीचर या फैक्ट्स के ऐसे रिलेटेड, तो ये सारे आपको स्टैटिक जीके वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर अगला देखिए कि पोटासियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज पोटासियम परमैंगनेट जो है इसका हम लोग यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। तो क्यों करते हैं हम लोग इसका यूज़? तो देखिए जो पोटासियम परमैंगनेट आपका होता है, तो ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो ये जो है आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए। तो इसका देखिए यूज़ हम लोग करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, तो इससे जो है जितने भी ऑर्डर रहते हैं वाटर के अंदर में, और इसके साथ में और भी जो कंपाउंड आपके रहते हैं, जैसे कि आपका आयरन और मैग्नीशियम हो गया वाटर, तो उन सभी को जो है इसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया था पोटेशियम परमैंगनेट का। फिर नेक्स्ट देखिए कि पोटैटो वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय, तो पोटैटो जो है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था किनके द्वारा? तो देखिए जो पोटैटो जो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये पोर्टुगीज के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पोर्टुगीज देखिए जो थे वो लोग, तो इनको जो है पोटैटो नहीं, उनको बटाटा बोलते थे इसको। तो ये जो है अर्ली 17th सेंचुरी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जो कि ये वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग ये कल्टिवेट करते थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट, तो कौन सा इसमें से जो है ईस्ट कोस्ट का पार्ट नहीं है? तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है पारादीप, कोचीन, विशाखापट्टनम और कोलकाता आपका दिया हुआ है। तो देखिए यदि आपने इन सभी जगह जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे अगर आपने मैप में देखा होगा अच्छे से और ये किधर लोकेटेड है, तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो आपका पारादीप है, उसके बाद आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपका विशाखापट्टनम और कोलकाता है, तो ये सारे जो है ये ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है। लेकिन जो आपका कोचीन है,
तो ये जो है वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो कोचीन आपका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सी वाटर ट्रांसपोर्ट है, जिसमें कि आपका हम बात करते हैं अगर हम वेस्ट कोस्ट की और ईस्टर्न कोस्ट की, तो वो उसी के कोस्ट के अलोंग ही जो है मेजर पोर्ट्स बनाए गए हुए हैं। तो वो आपका जितने भी दिए हुए हैं तो वो कोस्ट लोकेटेड रहते हैं इस तरीके से कि वहाँ पे जैसे पोर्ट भी बनाए गए, मेजर पोर्ट बनाए गए इंडिया में, तो टोटल इस तरीके से 13 मेजर पोर्ट अभी हैं। तो उसमें से अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट की, तो इस साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 6 पोर्ट है यहाँ पे मेजरली जो है, जिसमें कि आपका पहला दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है, जिसका कि आज कंडला पोर्ट, जो पहले जो ये कंडला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, जो कि आपका ये गुजरात स्टेट में है। वहीं पे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आपका है, ये भी महाराष्ट्र में आपका है, तो ये एक नेचुरल हार्बर पोर्ट आपका है, और साथ में जो है आपका ये बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का। फिर अगला देखिए जो आपका दूसरा और पोर्ट है महाराष्ट्र में ही, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको कि नवशेरा पोर्ट ट्रस्ट भी बोला जाता था पहले। तो ये आपका जैसे डेवलप किया गया मुंबई के नियर में ही, ताकि जो है मुंबई पोर्ट पे जो ट्रैफिक जो ज़्यादा रहती है तो उसको रिड्यूस किया जा सके। फिर अगला देखिए जो मरमा गोवा पोर्ट ट्रस्ट है, ये गोवा में आपका है। इसके अलावा कर्नाटक में आपका जो है, तो दैट इज न्यू मंगलुरु पोर्ट ट्रस्ट। और एक आपका जैसे कोची पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि ये केरल में आपका है। तो ये सारे जो आपके वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड हैं। और वहीं हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं, तो इधर देखिए जो मेजर जो पोर्ट्स लोकेटेड हैं यहाँ पे, तो उसमें आपका जैसे दिया हुआ है कि बी ओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, जो कि इसके पहले ट्यूटीकोरिन पोस्ट भी बोला जाता था, तो ये तमिलनाडु में है। वहीं चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, ये आपका चेन्नई नाम ही है, आपका तमिलनाडु में ही होगा। फिर अगला देखिए कवराचार पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि इनोर पोस्ट वाले बोला जाता था ये, तो ये आपका तमिलनाडु में है। फिर अगला देखिए विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की बात करते हैं, तो ये ओडिशा में आपका है। फिर अगला देखिए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, जो कि पहले हल्दिया और कोलकाता पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है। फिर वही पोर्ट ब्लेयर को भी जो है एक और दी, इसको 13th मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ये लोकेटेड है। तो ये जितने भी आपके पोर्ट्स हैं, तो मेजरली जो कोस्ट है, जो कि कोस्टल जो पोर्शन है, कोस्टल सिटीज है, तो वहीं पे ये लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि ईस्ट कोस्ट कौन सा एक पार्ट नहीं आपका है, तो कोचीन आपका ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका ये वेस्ट पार्ट का, वेस्ट का ये वेस्ट कोस्ट का ये हिस्सा है। दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है कि विच इज करेक्ट कौन सा है। तो पहला देखिए इसमें आपके देव स्टेटमेंट है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और दूसरा दिया हुआ है इसमें कि द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। तो देखिए यदि आपने पॉलिटिकल लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन जो लड़ते हैं, तो उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन वो होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने देखा होगा वहाँ पे कि जो सबसे पहले फॉरमोस्ट जो होता है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा आपका था कि जैसे एज की बात करें तो 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, उनसे ज़्यादा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू भी अलाउड यहाँ पे नहीं होती है। और साथ में और होते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट कोई अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ये, तो ये किसी भी मेंबर ऑफ द हाउस के, मतलब जो भी हाउस है पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, तो वो उसके मेंबर नहीं होने चाहिए। और अगर वो मेंबर मान लीजिए अगर वो रहते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का या फिर स्टेट का या फिर लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर का या फिर पार्लियामेंट का किसी का भी हो, तो वो जो है पहले उनको वेकेट करना होगा सीट का अपना, जिस दिन से वो अपना इंटर करते हैं अपने ऑफिस में, यानी कि जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का जो राष्ट्रपति भवन है, तो वहाँ पे इंटर करते हैं, तो उसके उसी दिन से पहले उनको जो है वहाँ से रेजिग्नेशन देना होगा, तब जाके वो बन सकते हैं प्रेसिडेंट। और साथ में ये रहता है आपका कि पार्लियामेंट जो रहता है आपका, तो ये प्रेसिडेंट और साथ में जो दो हाउस रहते हैं, तो इन दोनों से कंसिस्ट होती है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ इसमें, वन भी आपका इसमें करेक्ट है, और दूसरा आपका दिया हुआ इसमें कि पार्लियामेंट जो रहता है तो वो प्रेसिडेंट और टू हाउसेस से कम भी रहते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से दोनों आपका सही, यानी कि बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, ऑप्शन ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि अ बलून फिल्ड विथ हीलियम अराइजेस इन एयर बिकॉज, जैसे कोई बलून आपका रहता है जिसमें कि हीलियम भरते हैं हम लोग, तो वो जो है वो राइज करते ही जाता है एयर में, तो ये किस कारण से होती है। तो यहाँ पे देखिए इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। पहला तो आपका रहता है कि जैसे हीलियम जो रहता है, तो वो लेस डेंस होता है एज कंपेरिजन टू एयर के मामले में, तो इस कारण से जो है आपका बलून जो है राइज कर जाता है जब उसमें हीलियम भरी जाती है। तो इसके अलावा और आपका रहता है जैसे मान लीजिए बलून को, जब बलून के अंदर में हीलियम भरी जाती है, तो इन द बिगिनिंग में आप देखिएगा कि वो ऊपर यानी कि एयर में राइज करना शुरू कर जाता है आपका, क्योंकि जो एयर जो डिस्प्लेस किया जाता है बलून के द्वारा, तो वो ज़्यादा होता है उसके वेट ऑफ बलून के कंपेरिजन में, और साथ में जो हीलियम गैस जो उसमें फीड की जाती है बलून के कंपेरिजन में, तो उससे ज़्यादा जो है बलून मतलब कि एयर जो डिस्प्लेस करता है। और इसके साथ में दूसरा आता है कि आप जानते हैं कि जो डेंसिटी रहता है एयर का,
और जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका रहता है तो वो हाइट के साथ जो है वो डिक्रीज करते जाती है। तो इस कारण से जो है ये फैक्टर आपके हैं कि जो बलून जो फील्ड करते हैं हम लोग उसमें हीलियम, तो वो उसके चलते वो एयर में वो राइज करते ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एयर एग्जर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बलून। तो एयर यहाँ पे कोई अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट नहीं करता यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट आपका नहीं रहेगा करेक्ट यहाँ से। और बलून वेटलेस है तो ये इसका कोई रीजन नहीं है कि वेटलेस होने के चलते ऊपर राइज करता है। फिर सी में देखिए दिया हुआ है कि हीलियम इज लेस डेंसर देन एयर, तो हीलियम लेस डेंसर होता है तो ये आपका एक रीजन में भी हो सकता है यहाँ पे। फिर इस तरीके से सी आपका इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि हीलियम पुशेस डाउन ऑन द एयर बिलो द बलून, तो हीलियम जो है वो पुश करता है एयर को बलून के नीचे, तो ये ऐसा कोई फैक्ट नहीं है यहाँ पर। फिर अगला देखिए कि अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, यानी कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी होता है तो एक ऐसा इकोनॉमी होता है कि जिसमें कि क्या होते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लोज्ड इकोनॉमी हम लोग ऐसे इकोनॉमी को बोलते हैं कि जिसमें देखिए कोई भी उसका जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है अदर इकोनॉमी के साथ में, यानी कि जो फॉरेन कंट्री होता है उनके साथ कोई जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती है उसके साथ में, यानी कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी आपका रहता है तो वो सिंपली आपका एक सेल्फ सफिशियंट होता है, इंटायरली वो सेल्फ सफिशियंट होता है, आत्मनिर्भर होता है अपने ऊपर में। इसका मतलब ये है कि उसके कंट्री के अंदर में कोई भी इम्पोर्ट नहीं आएगा किसी दूसरे कंट्री से, और ना तो वो एक्सपोर्ट करेगा किसी दूसरे कंट्री को। तो ऐसे इकोनॉमी को बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज ड्यूम टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा ऑल्सो वेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको मनी बिल से रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जैसे मनी बिल जो है ये केवल लोकसभा में ही ओरिजिनेट होती है, और लोकसभा ने अगर इसे पास कर दिया तो फिर ये राज्यसभा के पास बस के लिए रिकमेंडेशन के लिए ही जाता है वहाँ पे। अगर राज्यसभा इसको रिजेक्ट भी कर देती है तब भी जो है वो पास माना जाता है। और ये इतने बीच में कितना दिन का मतलब टाइम रहता है यहाँ पे, तो वो केवल 14 डेज की रहती है, 14 डेज का समय रहता है राज्यसभा के पास में उसके पास में। तो आइदर उसे एक्सेप्ट करे या ना करे फिर भी मनी बिल पास हो जाता है अगर वो लोकसभा से जो है पास हो चुकी होती है। तो ये समय रहता है ओनली 14 डेज का। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो कौन सी होती है। तो देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि सिंपली इसको एनपीए हम लोग बोलते हैं, तो ये वो लोन होता है या फिर जो वो एडवांस होता है जो कि दिए जाते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कि उस पे जो प्रिंसिपल हो या फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट जो हो, तो वो जो है बैंक को मतलब कि एक 90 दिन के पीरियड तक अगर उनको पास नहीं आती है वो ओवर ड्यू रहती है, तो ऐसे एसेट्स को बोलाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज एन एसेट दैट सीजेस टू बी जनरेट इनकम। तो ये आपका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो पाती है। तो आप ऑप्शन डी आप करेक्ट मार्क्स कर सकते हैं। बाकी आप और भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि मनी एट ए कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो ये तो आपका कभी होगा नहीं, ऐसे रिलेशन ही नहीं है इसका। फिर अगला देखिए कि कैश बैलेंस विद द बैंक, तो कैश बैलेंस विद द बैंक को हम लोग इसको जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बोली जाती है। फिर अगला देखिए कैश बैलेंस विद द आरबीआई, तो ये भी कोई इससे रिलेशन नहीं है, वो ऐसे एसेट कि जिससे जो है वो इनकम जनरेट करना वो बंद करते हैं, तो ये सिंपली बैंक के लिए होती है कि वो अगर किसी को वो लोन देते हैं या फिर एडवांसिंग करते हैं किसी और चीज़ का कोई भी एसेट जैसे वो देते हैं दूसरे को, तो उसे ना तो वो प्रिंसिपल उनका रिटर्न हो रहा है और ना तो इंटरेस्ट पेमेंट उनको जो है एक लगातार 90 डेज पीरियड के अंदर में नहीं रिसीव होती है। तो ऐसे एसेट्स को बोल दिया जाता है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। फिर अगला देखिए कि ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें से कौन से स्कॉलर है कि जिन्होंने जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ट्रेसेस होते हैं उसको। तो देखिए इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं यहाँ पे। देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो इसका जैसे एक्सकेवेशन किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, लेकिन जो फर्स्ट जो मतलब कि जो साइट था हड़प्पा का ये ब्रीफली डिस्कवर किया गया था बाई ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर कनिग्राम के द्वारा किया गया था। जब इन्होंने एक्सकवेशन किया था 1872 में, तो इन्होंने जो सबसे पहले डिस्कवरी किया था इस जगह का। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट जो थे जिन्होंने डिस्कवर किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेसेस का, तो वो थे आपके एक कनिंगन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो फर्स्ट एक्सटेंसिव मतलब कि एक लार्ज वे में जिन्होंने इसका एक्सकवेशन किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो वो स्टार्ट किया गया था दैट इज बाय राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि 1920 में इन्होंने किया था लार्ज स्केल पे। तो यहाँ पे आप और भी मेजर साइट्स के बारे में आप देख सकते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे जो हिस्से थे, और ये कब इनका एक्सकेवेशन किया गया था और ये कहाँ पे लोकेटेड है और इनके एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया था, यानी कि डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो ये 1921 में की गई थी इसकी,
तो ये जो है आपका जैसे सहिवाल जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, यानी कि जो बैंक ऑफ रवि नदी किनारे जो है, रवि नदी किनारे जो है ये, तो वो वहाँ पे लोकेटेड है ये साइट। और ये जो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। फिर अगला देखिए जो मोहनजोदड़ो है, तो ये 1922 में इसका डिस्कवरी किया गया था। तो ये जो है आपका जैसे लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध का, जो कि इंडस नदी के बैंक के किनारे आपका ये, तो ये किया गया था आर डी बनर्जी के द्वारा। फिर वही हम सुप्ता के अंदर की बात करते थे, 1929 में इसका एक्सकेवेशन किया गया था, जो कि आपका ये बलूचिस्तान ऑन द 10th रिवर किनारे आपका है, तो ये किया गया था स्टेन के द्वारा। फिर वही देखिए जो चाहुन दारो आपका है, तो ये 1931 में की गई थी, और ये किया गया था एन जी मजूमदार के द्वारा। फिर अगला देखिए कालीबंगन की हम बात करते हैं, तो कालीबंगन जो आपका ये 1953 में इसका एक्सकेवेशन किया गया था। तो ये बेसिकली जो हनुमानगढ़ जो आपके डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, जो कि घग्गर नदी किनारे है, तो वहीं पे है ये। और ये एक्सकेवेशन किया गया था अमलानंद घोष के द्वारा। फिर अगला देखिए जो लोथल है, तो ये 1953 में इसकी डिस्कवरी की गई थी, जो कि आपका ये गुजरात और जो भोगवा नदी है तो उसके नियर में आपका है, तो ये किया गया था आर आर राव के द्वारा। फिर अगला देखिए जो सुप्ता गोदा आपका है, तो ये भी गुजरात में, जो कि 1964 में इसकी की गई थी, ये किया गया था जेपी जोशी के द्वारा। फिर अगला देखिए जो बनवाली है, तो ये जो है आपका ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में आपका है ये साइट, और ये 1974 में की गई थी आर एस बिस्ट के द्वारा। फिर अगला देखिए धोलावीरा जो है, तो ये 1985 में इसकी की गई थी, और ये जो आपका जो गुजरात के जो रण ऑफ कच्छ है, तो वहाँ पे है, और ये किया गया था आर एस ब्यास के द्वारा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होते हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो भी हम आपको यहाँ पे बताते चलते हैं, तो जिससे कि आपका काफ़ी अच्छे से और आपका तैयारी हो जाए। और हमने ये सारे चीज़ जो है जीके वाले पोर्शन में ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आज का सेशन था, तो यहाँ पे एंड होता है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और ये सेटअप का जो है एग्जाम तक चलता रहेगा, तो आप लोग इसी तरीके से देखते रहना, और साथ में फ्रेंड्स के मंग भी वीडियो को शेयर करते रहना। और हमने जो है देखिए पीडीएफ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है 3 सब्जेक्ट का, करेंट अफेयर का, इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का, तो ये आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।